यूपी में निकाय चुनाव के खत्म होने के बाद सियासी दल एमएलसी चुनाव के दाव पेच में जुट गए और अब एमएलसी चुनाव को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल भाजपा की दोनों सीटों पर जीत तय मानी जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। वहीं सपा के एमएलसी प्रत्याशियों ने पत्र लिखकर विपक्षी दलों के पिछड़े दलित विधायकों से समर्थन मांगा है, तो वहीं अब एमएलसी चुनाव को लेकर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, अगर एमएलसी चुनाव में हमसे कोई वोट मांगेगा तो हम वोट देंगे, लेकिन अभी तक किसी ने हमसे वोट नहीं मांगा है। देखिए ओम प्रकाश राजभर ने और क्या कुछ कहा कि हम लोकसभा वार, हम लोग पहले टर्न में टारगेट बनाए कि 50-50 लोकसभा से नेताओं को बुलाकर उनको प्रशिक्षण दिया जाए और आगामी लोकसभा की तैयारी, चुनाव कैसे हम लोग लड़ें, आगे हमको संगठन में कहां कहां कमी रह गई है उसको कैसे दूर करें, इन्हीं बिंदुओं पर हर विधानसभा लोकसभा से हम लोग 50 आदमी को पहले टारगेट बनाए हैं। नगर निकाय चुनाव में जादू आपका नहीं चल पाया? बिल्कुल चला है। क्या रही स्थिति? बिल्कुल, हमारे लोगों ने हमको हमारी पार्टी कोड दिया है। कितनी सीटें निकल पाई आपकी? रसड़ में एक जीते, किदवाड़ा गांव में बीजेपी सरकार ने गुंडई करके 3 पेटी का वोट सामने आया, एक पे 462, एक पे 312, एक पर 419, अब पेटी में तीनों में कोट हुए नहीं। अब एमएलसी के चुनाव में तभी कोई मांगा नहीं तो किसको बताया जाए। 28 तारीख को हम लोग बैठक करेंगे पार्टी के सभी विधायक, और बीच में कोई अपना वोट मांगेगा तो फिर उसको विचार विमर्श करके निर्णय लिया जाएगा। कोई भी कर रहे क्या कि कोई मांगे तब देंगे? अब बिना मांगे किसको देने जाए? तो क्या कोई नहीं मांगे तो वोट नहीं पड़ेगा? अब 28 तारीख को जब हम सभी 5 विधायक बैठेंगे तो तय करेंगे। क्या लगता है कि बड़े नोट बंद करने से भ्रष्टाचार रुक जाएगा? नहीं, बड़े नोट जब तक रहेंगे तब तक भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। भारतीय समाज पार्टी का मानना है कि सबसे बड़ी नोट 100 रुपए की हो, 50 की हो, 10 की हो, 20 की हो, 5 की हो, जितना छोटा नोट रहेगा उतना भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा। बड़ी नोट है 2000 की, एक अटैची में भर लेंगे करोड़ों करोड़ों रुपया, लेकिन 1 करोड़ रुपया अगर 100 रुपए की नोट लेके जाना होगा तो एक DCM पर लाद के ले जाना होगा। इस नाते भ्रष्टाचार जब छोटी नोट थी तो बहुत रियर कम होता था, हम नहीं कहते खत्म था, लेकिन उस समय भ्रष्टाचार मुश्किल से 10% भी नहीं हो पाता था लेन देन। लेकिन अब जब से बड़ी नोट आई है तो लोग जेबा में भर करके 5 लाख 10 लाख लेके चले जा रहे हैं। महिला पहलवानों ने फिर से शुरू कर दिया है विभूति संहिता के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो अपने न्याय के लिए लड़ रही हैं और हमारी पार्टी का तो मानना है कि देश के नेताओं को एक कानून बना लेना चाहिए, आधी आबादी महिलाओं की है, लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित कर दें, नौकरियों में आधी सीटें उनकी आरक्षित कर दें, शिक्षण संस्थाओं में आधी सीटें आरक्षित कर दें, पूर्ण रूप से जब वो शासन प्रशासन में वो आ जाएंगी तब पूर्ण रूप से उनके ऊपर हो रहे जुर्म जाति अत्याचार पे विराम लगेगा। नहीं तो जिस तरह उन्होंने नार्को टेस्ट की बात किया है, हम तैयार हैं, उनका भी टेस्ट हो जाए तो दोनों लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो क्या लगता है आपको? तो हो जाना चाहिए ना, जब दोनों लोग तैयार तो क्यों दिक्कत क्या है, विलंब कई कारण कीजिए। सांसद जी कह रहे हैं कि छुआछूत की बीमारी लेके देवी आ गई है। अब अगर वो छुआछूत को मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने छुआछूत को खत्म किया, पूरे देश की व्यवस्था को बदल करके एक संविधान बाबा साहब ने दिया और संविधान में सबको बराबरी का हक दिया, सबको एक समान कानून दिया कि कानून के दायरे में सबको रहना है। लेकिन अगर कोई कानून न माने तो उसको मनवाने के लिए सरकार का काम है, सरकार अगर न मनवावे तो फिर कोई क्या कर सकता है। कार्रवाई ठीक हो रही है विभूति शरण सिंह के खिलाफ या क्या क्या लग रहा है? जहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FIR हो तो उंगली तो उठनी स्वाभाविक है। प्रदेश में मंत्री अनिल राजभर आपको लगातार कहते हैं कि आप कंफ्यूज नेता हैं, आप कुछ भी तय नहीं कर पाते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आज कुछ कहते हैं कल कुछ और। देखिए लोडर और लीडर, लीडर जब सदन में बोलता है कि भर राजभर जाति को हाई कोर्ट का आदेश है 11 मार्च 2022 का अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार दिल्ली भेजे, तब वो नेता कंफ्यूज हो जाता है, तब सदन में खड़ा होकर समर्थन नहीं करता है। बनारस की धरती पर कटिंग मेमोरियल में अमित शाह को बुला के कहा था कि हम ST में 1 महीने के अंदर शामिल कर देंगे और 6 साल बीत गया, अभी तक नहीं हो पाया। कन्फ्यूज कौन है? महिलाओं की आधी आबादी है, लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित कराने के लिए जवान नहीं खुलेगी। तेलंगाना सरकार
4 करोड़ आबादी में 2 लाख गरीबों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर हर साल डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बनाने की शिक्षा दे रही है। 25 करोड़ आबादी में 12.5 लाख बच्चों को उस हिसाब से शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ उस पर बोलने की औकात हिम्मत नहीं है। प्रदेश में तमाम अति पिछड़े दलित के ऊपर अन्याय हो रहा है। अभी 1468 ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती हुई, 27% पिछड़ों का हिस्सा है, 139 सीट पे ही खाली हो पाया, 257 पद लूटा गया, इस पे बोलने की औकात नहीं है। तब जबान बंद हो जाती है, तब आँख बंद हो जाती है, नहीं सुनाई देता ना दिखाई देता, गांधी जी के 3 बंदर बन जाते हैं। ये 257 पद किसका लूटा गया? पिछड़ों का। किस जाति में आते हैं पिछड़ों के? ये जितने भी पिछड़े समाज के नेता हैं, विधायक सांसद हैं, विभिन्न पार्टियों में ये लोडर बनकर के काम करते हैं। जब इनका हिस्सा लूटा जाता है तो इनकी जबान नहीं खुलती है, जो बोलता है उसके खिलाफ ऐसा बोलते हैं। समाज का हक लूटा जा रहा, नहीं बोल रहे यही लोग हैं? अरे वही है, अब आप समझते जाइए।